बहुत बहुत साधुवाद। इस गांव के चौक में बैठ के आप सबके बीच संत वाणी बांटने का अवसर मिला, हमारा भाग्य है। ये पहला भजन मालवा प्रहलाद जी से सुना और सीखा। इसमें कबीर बहुत सीधी तरीके से हमसे पूछते हैं सवाल, तेरी काया नगर का कौन धनी, कोई है पुलिस इंचार्ज, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान कोई दे रहा है इस नगरी में? कोई नहीं दे रहा। तेरी काया नगर का कौन धनी, मारग में लूटे पांच जनी 25 जनी मारग में लूटे 5 जनी, हम खुद लूटे जाते हैं, है ना? डाका लगता रहता है हमारी काया नगर के हाईवेज पे, हमारी अपनी 5 इंद्रियां, हम ठगे जाते हैं। थोड़ा तंबूरा मॉनिटर्स में कम कीजिए, बहुत लाउड है। तो कबीर कहते हैं, आशा तृष्णा नदियां भारी, बह गया संत बड़ा ब्रह्मचारी, हरे हरे। बड़े से बड़े साधु संत जो अपने आप को बड़े ब्रह्मचारी मानते हैं, वो आशा और तृष्णा की नदी में बह गए। वन में लुट गए मुनिजन नंगा, कुछ लोग घर बार छोड़ के वन चले गए, वहां भी लुट गए क्योंकि उनको ममता ने डस दिया। तो कबीर कहते हैं, जाग जाओ अपने काया नगरी में, चौकीदारी करना सीख लो। यहां 10 द्वार हैं, उसकी चौकीदारी कौन करता है? ये सब 10 द्वार। तो कबीर कबीर क्या करे, सोचो आप शरीर, 5 इंद्री वश करो तो आप ही दास कबीर। कबीर कभी कभी हताश होके खुद के बारे में कहते हैं, कागज केरी नाव है ओ जी, और पानी केरी गम, ये नाजुक सा शरीर मन कागज की नाव जैसा, गहरे पानी गंगा जैसे पानी में तिर रहा है, या तिर नहीं रहा, बूढ़ रहा है। कागज केरी नाव है ओ जी, और पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरूं, पांच कुसंगी बैठे हुए हैं इस नाव में, कैसे जाएंगे? तेरी काया नगर का कौन धनी, मालग मालूटे 5 जने, तेरी काया नगर का कौन धनी, मारग मालूटे 5 जनी, हाँ 5 जनी 25 जनी, मारग मालूटे 5 जनी, तेरी काया नगर का कौन धनी, मारग मालूटे 5 जनी, अरे 5 जनी 25 जनी, मारग मालूटे
पांच जनी देखाया नगर का कौन घड़ी मारक मा लूटे पांच जनी अरे आशा कृष्णा नदियां भारी बह गया संत बड़ा ब्रह्मचारी हरे हरे अरे आशा कृष्णा नदियां भारी बह गया संत बड़ा ब्रह्मचारी हरे हरे मुनिजन नंगा टस गई ममता उल्टा टंगा हरे हरे अरे बन में लुट गए मुनिजन नंगा टस गई ममता उल्टा टंगा हरे हरे साधु संत मिल रोके घाटा साधु चढ़ गया उल्टी काटा हरे हरे अरे साधु संत मिल रोके घाटा साधु चढ़ गया उल्टी काटा हरे हरे इंद्र बिगाड़े गौतम नारी कुबजा भैया कृष्ण मुरारी हरे हरे नगर का कौन धनी मारक मारू ते पांच जनी।